अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NQ51। आज हम रहू थैल नरैन, जिसे मिर्किल कहते हैं, इनकी फेवरेट डिश बनाएंगे, यानी कि इनका पसंदीदा आटा बनाएंगे। तो मैंने आधा किलो के करीब जो चावलों का आटा है वो इस ट्रे में डाल दिया है। देखते जाए इसमें हमने क्या क्या मिलाना है और आप उस हिसाब से मिलाइएगा। और आप लोगों को ये पता करना हो कि राइस पॉलिश कहाँ मिलती है, तो इसके हवाले से कल वीडियो लोड होगी जिसमें राइस पॉलिश की मुकम्मल मालूमात होगी, वो देखना मत भूलिएगा, वो भी आपको बताऊंगा कहाँ से मिलेगी। फिलहाल आप ये आटा बनाना देख लें, क्योंकि शाम पड़ रही है और मैंने परसों क्योंकि शिकार पर निकलना है, तरबेला जा रहा हूँ, वहाँ रहू कसरत से लगते हैं, तो उसके लिए मैं ये आटा बना रहा हूँ। अब जो जो चीज़ें मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ वो आप देखते जाए। सिपर के अंदर मैंने राइस पॉलिश तकरीबन डेढ़ डेढ़ पाव 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 के करीब जो है पैक की हुई थी, इसको छानने की जरूरत नहीं है, ये हम स्टेट इसमें मिला देंगे। दो चीजें मिक्स हो गई, ग्राइंड चावल और राइस पॉलिश। अब जो हम अगली चीजें इसमें मिलाएंगे वो तकरीबन एक चम्मच के करीब पीली मकई। मैंने कहा ये ना हो कि मैं इसमें शक्कर मिला दूं, क्योंकि रोहू के लिए जब आप शिकार खेल रहे होते हैं तो फिर आपने इसमें सब कुछ जो है वो फीका रखना होता है। रोहू जो होता है वो मीठा कम खाता है, खाता है लेकिन इतनी तादाद में नहीं खाता, कम खाता है। तीन चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, ग्राइंड चावल, राइस पॉलिश, पीली मकई, और ये आ गई इसमें तकरीबन एक चम्मच ही सफ़ेद मकई। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे जनाब गंदम का आटा, जिसे देसी चक्की का आटा कहते हैं। एक, दो और ये तीन, थोड़ा सा हम लाते हैं, ये हो गया चार देसी चक्की का आटा। और इसमें जो अगली चीज़ पड़ेगी वो होगा फाइन आटा, जैसे नानो वाला आटा भी कहते हैं। एक तो होता ना मैदा नहीं, ये भुरभुरा होता था फाइन आटा, ये एक चम्मच और ये डेढ़ चम्मच, बहुत हल्का सा। जौ के सत्तू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने नहीं बोलनी। अब हम इसमें तकरीबन जौ के सत्तू भी आधा किलो के करीब या तीन पाव के करीब, एक किलो का पैकेट था, पाव डेढ़ पाव जो है इसमें जौ के सत्तू जो है वो मिक्स कर देंगे। ज़्यादा इसे मिक्स अब ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे, अब हम इसे करेंगे मिक्स। चोकर, ज़्यादा चोकर नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा चोकर बराए नाम कि पता लगे जी कि चोकर है, बस थोड़ा सा चोकर। और ये है जी करा, जिसे सूढ़ी भी कहते हैं, ये कहाँ से मिलेगा, ये रावलपिंडी में बंडी से मिल जाएगा, इसके अलावा हर उस जगह से मिलेगा जहाँ से बकरों का घोड़ों का दाना या चारा मिलता है, आप वहाँ से इसको इजीली ले सकते हैं। अब हम करा कितना डालेंगे, हम वो डालेंगे इसमें देखते जाएँ एक चम्मच और ये थोड़ा सा। अब ये हो गया पूरा, अब हम इसे करेंगे मिक्स। राइस वाले पॉलिश वाले आटे को जब हमने बनाना है तो इसको गूंथते वक्त हमने इसमें एक अंडा मिलाना है, और अंडे की हमने सफ़ेदी मिलानी है, जर्दी नहीं मिलानी। और उसके बाद हमने इसमें रू केवड़ा, इतने बड़े पेड़े के अंदर रू केवड़ा मिलाना है, तकरीबन एक ढक्कन या दो ढक्कन। ये जी राइस पॉलिश वाला आटा तैयार हो चुका है, अब मैं आपको थोड़ा सा गूंथ के दिखाऊँगा। अच्छा, इसमें अंडा मैंने नहीं मिलाया, लेकिन आपने जब बनाना है तो इसमें अंडा मिलाना है। मैं जब शिकार पे जाऊंगा तो मैं इसमें अंडा लाजमी मिलाऊंगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ कि इसका रंग कैसा होगा और ये कैसा होगा, आप यकीन करें जब आप बनाएंगे तब आपको पता लगेगा। इसे तो बड़ी मज़ेदार किस्म की ना खुशबू से उठ रही है, बहुत मज़ेदार खुशबू उठ रही है। और इसकी आपने जो काम करना है, इसकी मलाई बहुत करनी है, यानी इसको रगड़ाई बहुत करनी है। असल जो चीज़ है ना वो इसकी रगड़ाई है।
ये जी केवड़ा एसेंस है, मार्केट में आम मिल जाता है 70-80-90 रुपए की बोतल है। इतने बड़े पेड़े के अंदर ये तकरीबन आप देखें, मैं बिल्कुल थोड़ा सा चंद कतरे आधा ढक्कन के करीब में मिलाऊंगा, ठीक है। तो मिलाने के बाद मैं ऐसे करूंगा दोबारा एक बार अच्छी तरह लेवल मिलाऊंगा ताकि ये अपने आप में आ जाए। इंशाल्लाह तरबेला में इसके ऊपर रोऊ जो लगेंगे उसका रिजल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। ये देखें, आप इसका आड़ू भी खेल सकते हैं, इसकी गोली भी खेल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप इसका आड़ू खेलेंगे। इसके साथ ही अपने दोस्त अमित कुरैशी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।